हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सबनम एरेंस के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अल्लाह हमारे देखने वाले को जहाँ कहीं भी रखे सलामत रखे। मैं सो रही थी, अम्मी अभी अभी आई, मुझे उठाई, कह रही हूँ मुझे शाम का टाइम हो रहा है, खाने में कुछ बना लो। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली रेड चिकन हैदराबादी की रेसिपी। अभी भी मैं कम्बल के अंदर ही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही, मेरी आँखें देखे कितनी मोटी मोटी हो रही है। और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई तो इसमें हम डाल दें काजू और 8 से 10 पिस्ता बादाम। इसे भूनेंगे तब तक जब तक ये लाल नहीं हो जाती हाई फ्लेम पे। ये देखें हमारा काजू और पिस्ता बादाम लाल हो गया है, तो अभी से हम निकाल लेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। देख सकते हैं आप, तेल हमारी गर्म हो गई है। 2 मीडियम साइज की प्याज ली हमने, चॉप करके रखी है, इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। लगातार हाथों से चलाकर फ्राई करेंगे हम प्याज को। तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, जब हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा इसमें तो इसी तेल का हम इस्तेमाल चिकन बनाने में करेंगे। फ्राई की हुई तेल का इस्तेमाल करने से हमारे चिकन में अच्छी खुशबू आएगी। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे प्याज को हम। प्याज हमारी फ्राई हो गई, देख सकते हैं आप, तो इसे हम निकाल लेंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने एक ही चिकन ली, इसे साफ करके रखी। अभी लहसुन अदरक का पेस्ट 3 चम्मच, दही, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, रेड फूड कलर 1 पिंच, इन सबको डाल देंगे। काजू पिस्ता बादाम का पेस्ट इसे भी डाल देंगे। अरे प्याज जिसे हमने गोल्डन ब्राउन करके रखी थी इसे भी डाल देंगे हाथों से क्रश करके। चिकन को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लिए तो अभी से हम ढक कर 1 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई ली, कढ़ाई में तेल डाली, तेल हमारी बो वाली जिसमें हमने प्याज फ्राई किए, तो अब हम इसमें 2 लौंग और 2 इलायची डाल देंगे। अब यहाँ पर हम चिकन डालेंगे जो हमने मसाले में मिक्स करके रखे थे 1 घंटे के लिए। चिकन को लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। चिकन को हमने लगातार चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लिया है। चिकन में हमारी अच्छी तेल भी आ गई है, तो अब हम यहाँ पे 3 हरी मिर्च लिए, इसे टुकड़े में करके रखी है हमने, इसे डाल देंगे। धनिया के पत्ते इसे भी डाल देंगे। आधी नींबू की रस लिए इसे भी डाल देंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे। चिकन को पकने के लिए रखे हुए 10 मिनट हो गए, तो देख लेंगे खोलकर। चिकन हमारा अच्छे से पक गया है, तेल भी अच्छे से आ गई चिकन में। काली मिर्च पाउडर डालेंगे, चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। धनिया के पत्ते डालेंगे। चिकन को ढककर 1 मिनट तक पकने देंगे। 1 मिनट हो गए तो देख लेंगे चिकन को। चिकन हमारा अच्छे से पक गई है, माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही चिकन में से हमारी, तो गैस बंद कर देंगे। गाइस हमारी रेड चिकन हैदराबादी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसे पराठे से खाएं या फिर तंदूरी रोटी से, बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। तो कैसी लगी मेरी रेड चिकन हैदराबादी की रेसिपी? अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम।